हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि मेजर ध्यानचंद महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक थे जिन्हें पूरी दुनिया ने देखा और वो हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर देशभर में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस के दिन देश के राष्ट्रपति की ओर से राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे अवार्ड नामित लोगों को दिए जाते हैं। इसी कड़ी में राजस्थान क्रीड़ा परिषद की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भी हॉकी मैच का आयोजन किया गया। इस दौरान खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना, स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव महेंद्र मीणा, खेल अधिकारी सुब्रत सेन समेत कई लोग उपस्थित रहे। साथ ही मंत्री अशोक चांदना ने मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए एक हॉकी मैच का भी आयोजन किया। इस अवसर पर मंत्री अशोक चांदना ने राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। देखिए, लॉकडाउन के बाद निरंतर खेलों का आयोजन बंद है, लेकिन आज के दिन, आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन भी है और राष्ट्रीय खेल दिवस भी है। तो आज जो कोविड के नियमों के तहत गेम्स की नई गाइडलाइंस है, हॉकी के जो नए रूल्स हैं, उन रूल्स के तहत ये आयोजन किया गया है ताकि आज के दिन खिलाड़ी मना सकें। और ये दिन हर खिलाड़ी के लिए बहुत अहम है। हमारे देश में इस दिन को हर खिलाड़ी बड़ी उत्साह के साथ में मनाते हैं। निश्चित रूप से आज गुरुओं का भी सम्मान हुआ, गुरुओं का हमेशा सम्मान होना चाहिए। और आप देखेंगे, राजस्थान की वो मिट्टी है जिसने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी दिए हैं। आने वाले समय में हम लोग ये तय करेंगे कि हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये जो प्रदेश खेलों में अग्रणी हैं, उनके मुकाबले राजस्थान और बेहतर कर सकें। आज देखिए, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है और मेजर ध्यानचंद की भी जयंती भी है। पहले और सालों में बड़े प्रोग्राम आयोजित किए जाते थे, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा संक्षिप्त प्रोग्राम रखा गया है। केवल